आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो स्टेटिस्टिकल डेटा होते हैं, डेटा बहुत इनॉर्मस हो सकते हैं। जनरली जो बड़े बड़ी स्टडीज होती है इकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते समय हमारे पास बहुत सारे डेटा इकट्ठा हो जाते हैं और उस डेटा को अरेंज करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अगर डेटा आपका मिसमैच हो जाएगा तो पूरा आपका जो रिसर्च का पर्पज है, जो एक्सपेरिमेंट का पर्पज है, वो फेल हो जाएगा, है ना। चाहे हम इकोलॉजी की बात करें, चाहे हम जेनेटिक्स की बात करें, चाहे बायोकेमिस्ट्री की बात करें, आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, हमें डेटा प्रॉपरली एक डेफिनेट फॉर्म में अरेंज करके जब हम रखते हैं तभी उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा जंबल्ड फॉर्म में है, हैफजर्डली अरेंज्ड है, तो हम अपने डेटा को लेके ही उलझे रहते हैं कि कौन सा डेटा किस एक्सपेरिमेंट का है, उसका ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से पहले का है, ये जो डेटा आ रहा है एक्सपेरिमेंट के बाद का है। तो अगर आपका डेटा प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो आप अपना रिजल्ट कंक्लूसिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आपका टाइम काफी वेस्ट होता है और आप कुछ का कुछ कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखें कि जो हमारे स्टेटिस्टिकल डेटा है किस तरीके से उनको प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। जो सबसे प्राइमरी एंड बेसिक चीज है स्टेटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करने का, वो होता है टेबुलेशन, यानी आपका डेटा टेबल के फॉर्म में अरेंज हो। तो टेबुलेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, आप अपने डेटा को क्लासिफाई कर सके, उसको जो है डिफाइन कर सके कि आखिर ये डेटा आपका क्या कहता है। तो टेबुलेशन के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड रिजेम्बलेंसेस। जब आप डेटा को समानता और रिजेम्बलेंस, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है बट इट लुक्स लाइक समथिंग, रिजेम्बल कर रहा है डेटा, आपस में मैच कर रहा है, या आपको उसमें सिमिलैरिटी दिखती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे केस में जब आप डेटा को अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं डेटा का क्लासिफिकेशन करना, यानी सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस के बेस पर डेटा का अरेंजमेंट करना, उस डेटा का क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लासिफाइड फैक्ट्स इनटू द रो एंड कॉलम। जब आपने पहले अपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया कि ये डेटा सिमिलर है, ये डेटा सिमिलर है, ये डेटा सिमिलर है, ठीक है ना, यानी कि आपने फ्रूट फ्रूट एक तरफ रख दिए, फ्लावर फ्लावर एक तरफ रख लिए, सीड सीड एक तरफ रख लिए, तो ये क्या किया आपने, क्लासिफाई कर दिया डेटा का कि ये डेटा फ्रूट का है, ये डेटा सीड का है, ये डेटा फ्लावर का है। तो उसमें अब आपके पास जो ये क्लासिफाइड डेटा है इसको अब आप टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो टेबल फॉर्म के अरेंजमेंट में क्या होता है, आप अपने क्लासिफाइड डेटा को रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं, ठीक है, रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेबुलेशन से पहले आपको क्या करना होता है, डेटा का क्लासिफिकेशन, डेटा किस कैरेक्टर है। फिर टेबुलेशन कहाँ से शुरू होता है, जब आपने एक बार अपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया, जैसे कि रूट रूट एक तरफ, सूट सूट एक तरफ, लीफ लीफ एक तरफ, अब स्टार्ट करते हैं जब आपने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। ये देखें अब कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। आप ये देखें कि ये टेबल बना हुआ है, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखिए टेबल बना हुआ है। टेबल में आप ये जो देखेंगे ऊपर वाले जो खाने होते हैं, ये ऊपर सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, जो वर्टिकली चलते हैं। वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे आप जब देखेंगे रीड करेंगे डेटा को तो उनको हम लोग कॉलम कहते हैं। रो क्या होते हैं, जब आप दाएं से बाएं, बल्कि बाएं से दाएं की ओर जब आप मूव करते हैं डेटा को देखते हुए, तो उसको हम लोग रो कहते हैं। टेबल क्या है, टेबल एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब ये जो इंडिविजुअल बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर देखे ढेर सारे बॉक्स हैं, तो ये जो इंडिविजुअल बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल।
सेल, हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल मतलब छोटी कोठरी। तो टेबल में ये सब छोटे छोटे सेल्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे चार सेल ऊपर, चार सेल, चार पांच, पांच जो है लेफ्ट साइड में, तो 5 × 4 कितना हो गया 20। यहाँ पर 20 सेल्स का एक टेबल बना हुआ है। अब ये टेबल जो है 4 कॉलम और 5 रो में डिवाइड है। कॉलम समझते हैं, जब आप डेटा को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं तो वो कहलाता है कॉलम, और जब आप डेटा को लेफ्ट से राइट की ओर रीड करते हैं तो वो कहलाता है रो। ठीक, तो जो वर्टिकल डेटा का अरेंजमेंट करना उसका वो कॉलम कहलाता है, और हॉरिजॉन्टल जब डेटा को आप देखते हैं तो वो उसका रो कहलाता है। तो दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। आपने डेटा को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करके आपने उसको रो और कॉलम में जब अरेंज कर दिया तो वो कहलाता है टेबुलेशन। लेकिन टेबुलेशन यही कंप्लीट नहीं होता है, टेबुलेशन के और भी कई पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, टेबुलेशन में क्या होना चाहिए, जब भी आप कोई टेबल फॉर्म में अपना डेटा अरेंज करेंगे तो उस टेबल का एक नंबर देंगे कि टेबल का नंबर क्या है, फिर टेबल का टाइटल, ये इसमें होता है कि आपने टेबल, आपका टेबल क्या शो कर रहा है, हेड नोट होगा, उसमें कैप्शंस होंगे, कैप्शन के साथ साथ उसमें स्टब्स होगा, फिर उसकी मेन बॉडी होगी, फुट नोट होगा और सोर्स होगा। इतनी सारी चीजें मिलाकर के एक जो है कंप्लीट टेबल बनता है। अब आइए देखें कि ये सब एक एक करके कि ये क्या क्या है। ठीक, अब यहां पर देखिए टाइटल, जब भी आप टेबल बनाएंगे तो उस टेबल का जो टाइटल होता है हमेशा टेबल के ऊपर लिखा जाता है। कहां पर है ये आप डायग्राम देखेंगे, टेबल के ऊपर आपका टेबल का टाइटल होगा, और जो टाइटल आप देंगे टेबल का, इट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज। टाइटल छोटा होना चाहिए, और टाइटल पढ़ करके ये पता चल जाएगी आपका टेबल क्या कह रहा है, किसके बारे में। ठीक है, फिर आता है इसके नीचे हेड नोट, इट रेफर्स टू द यूनिट्स ऑफ वैल्यूज गिवन बिलो द टाइटल। टाइटल के नीचे जिस यूनिट में आपके वैल्यूज पुट अप होते हैं उसको हम लोग जो है हेड नोट के अंदर रखते हैं। इट इज रिलेटेड विद ऑल और मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन द बॉडी ऑफ द डेटा। जितना भी आपका जो डेटा बॉडी वाला पार्ट है डेटा का, बॉडी वाला पार्ट कौन सा, ये सेंट्रल पार्ट, ये जो बीच वाला बॉक्स दिख रहा है ना, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टेबल जिसमें कि आप डेटा एंट्री करते हैं, दैट इज द बॉडी और फील्ड। तो जो आपका हेड नोट होता है बेसिकली ये इसी बॉडी और फील्ड से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आपने जो वैल्यू फीड की हुई है उसका यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, इसके बारे में आप जो है डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है कैप्शन। कैप्शन क्या है, इट इज द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स। ये आप देखेंगे ये कैप्शन है, यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे बहुत सारे रो मिलेंगे। तो जब आप ये वर्टिकल कॉलम में आपने किन किन चीजों को भर रखा है इसको हम लोग जो है कैप्शन कहते हैं। ठीक है ना, कई बार होता है कैप्शन, कैप्शन के नीचे जो है इसमें आता है सब कैप्शन। फॉर एग्जाम्पल कैप्शन हमारा हो सकता है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लास। अब सब कैप्शन क्या हो जाएगा, एक कैप्शन एक से ज्यादा सब कैप्शन में, दो या दो से ज्यादा सब कैप्शन में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्शन हमारा हुआ बीएससी थर्ड ईयर, अब बीएससी थर्ड ईयर में सब कैप्शन क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स। फिर नेक्स्ट कैप्शन क्या हुआ, बीएससी सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में सब कैप्शन क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट कैप्शन के बाद आता है स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, इट इज द हेडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज। अब यहां पर आप जो है ना टेबल को जो है डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आप हॉरिजॉन्टली जब डेटा को क्लासिफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा आपका स्टब्स। फॉर एग्जाम्पल कि मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सब स्टब्स क्या हो जाएगा, मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब सब एंट्री क्या होंगी, यहां पर मान लीजिए पेपर 1 में क्या आएगा, यहां पर कैप्शन में ऊपर की तरफ बीएससी थर्ड सेम, फिर आएगा क्या, बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर वन चल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स। इस तरीके से जब आप एंट्री करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज की हेडिंग, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज की जो हेडिंग होती है इसको हम लोग स्टब्स कहेंगे। यहाँ पर स्टब क्या हो जाएगा,
मार्क्स, एक हम एग्जाम्पल आपको बना करके दिखाएंगे कैसे जो है हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक, फिर आता है बॉडी एंड फील्ड, ये जो मेन पार्ट आ गया डेटा एंट्री का, डेट इज कॉल्ड बॉडी एंड फील्ड। तो इसमें आप पूरा जो है वैल्यू या जो आपका जो डेटा है उसको आप इंटर करते हैं। दिस बॉडी एंड फील्ड इज द मोस्ट वाइडर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का सबसे ज्यादा वाइडर पार्ट होता है। ठीक, एंड इट कंटेन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड। इसी बॉडी या फील्ड में मेन डेटा आपका अरेंज रहता है, किसके अकॉर्डिंग, इट इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कैप्सन एंड स्टब्स, कैप्सन एंड स्टब्स के अकॉर्डिंग जो है आपका डेटा यहाँ पर अरेंज होता है। ठीक, अब ये आपका जो है आपने टेबल बनाया, फिर टेबल के बाद नीचे की तरफ आप लिखेंगे टोटल, कितने टोटल है, ठीक, स्टब्स के टोटल, फिर आप यहाँ ओवरऑल अगर आप सम करते जा रहे हैं सबका तो यहाँ पर एक दूसरा टोटल आ जाएगा, फिर फुटनोट, फुटनोट के बारे में जो आपने वैल्यूज दिए हुए हैं उसके बारे में, टेबल के नीचे हमेशा फुटनोट हमेशा टेबल के नीचे रहेगा, और जो आपने वैल्यूज दी हैं उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन रहता है फुटनोट के फॉर्म में। फिर इसके बाद अगर आप अपने टेबल के बारे में, मान लीजिए आपने सेकेंडरी डेटा यूज किया हुआ है, तो जो सेकेंडरी डेटा यूज किया है उसमें आप सोर्स लिखेंगे, फुट सोर्स हमेशा फुटनोट के नीचे लिखा जाएगा कि आपने ये डेटा किसी बुक से लिया है, न्यूज़पेपर से लिया है, जर्नल से लिया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया है, किसी मिनिस्ट्री से लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से लिया है, या जहां से भी जिस सोर्स से भी आपने ये डेटा टेबल के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, इस चीज को हम लोग जो है लिखते हैं किसमें, सोर्स के फॉर्म में। तो ये मिलाकर के आपका एक कंप्लीट टेबल तैयार हो जाता है, और ये टेबल के प्रमुख इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अब आते हैं डूज एंड डोंट्स इन टेबल, यानी कि टेबल बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। नंबर एक कि ईच टेबल शुड हैव अ टाइटल, कोई भी टेबल बिना टाइटल के नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाता है कि आपको कोई डेटा दे दिया गया एग्जाम में, उसे कहा गया इसको टेबल फॉर्म में अरेंज कीजिए, तो टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर टेबल देना पड़ेगा, ठीक है, टेबल का टाइटल लेना पड़ेगा, ठीक, सबसे ऊपर होता है। फिर कभी भी टेबल के फॉर्म में या टेबुलेशन के दौरान डिटो मार्क्स, ये जो मार्क्स होते हैं इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये डिटो मार्क्स हम लोग कभी भी टेबुलेशन के दौरान यूज नहीं करते हैं। ठीक, फिर अगर आपका टेबुलेशन बनाते समय अगर कोई आपका वैल्यू मिसिंग है, तो मिसिंग वैल्यू के लिए कभी भी हम जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं टेबल में, या तो डैश का प्रयोग करेंगे या तो NA मींस नॉट अवेलेबल का प्रयोग करते हैं, और फुट नोट में लिख देंगे कि यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल नहीं है या ये डेटा मिसिंग है, NA इज इक्वल टू मिसिंग डेटा या डैश इज इक्वल टू मिसिंग डेटा, ये आप फुट नोट में लिख लेंगे। The figures which need to be highlighted should be put in box or circle between the two thick lines. अगर आपको कोई डेटा हाईलाइट करना है तो या तो आप उसको बॉक्स, जो आपका जो सेल है उसके चारों ओर से एक बॉक्स बना दीजिए थिक लाइन का, या सर्कल बना दीजिए, ठीक, जिससे कि पता ये चलेगी कि इस फिगर को या इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। वेयर एवर रिक्वायर्ड टोटल्स एंड सब टोटल्स मस्ट बी गिवन, कभी भी आप अगर देखें जहां जरूरत पड़ रही है वहां टोटल और सब टोटल, जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया था, एक टोटल यहां पर आ गया और एक टोटल यहां पर आ गया, तो स्टब्स का टोटल और अगर आपका कैप्शंस है तो कैप्शंस का टोटल भी आपको देना चाहिए जहां पर आपको आवश्यकता होती है। टोटल वैल्यू जो है आपको एक बार जरूर देना चाहिए टेबल में अगर आप दे सकते हो तो, ताकि डेटा का कंपेरिजन आसान हो। ठीक, फिर है कि द फिगर शुड बी राउंडेड टू अ कॉमन डेसिमल पॉइंट, अगर आपका कोई डेटा डेसिमल पॉइंट में है, दशमलव में है, तो एक कॉमन डेसिमल प्लेस पर आप अपने डेटा को अरेंज करें। ऐसा ना हो कि कुछ डेटा आपको दशमलव के तीन अंक के बाद तक आपने लिखा हुआ है, कोई डेटा दशमलव के एक अंक तक है, कोई बिना दशमलव के है। अगर आप दशमलव फॉर्म यूज कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए जनरली बेस्ट ये होता है कि डेसिमल के टू पॉइंट्स तक, दशमलव के बाद दो अंकों तक आप अपने डेटा को रखें अगर आपके डेटा के बीच में डेसिमल यूज हो रहा है तो कॉमन पॉइंट लीजिए। ऐसा नहीं कि एक जगह आपने वन डेसिमल पॉइंट यूज किया, एक जगह आपने थ्री डेसिमल पॉइंट यूज किया एंड सो ऑन, हमेशा एक कॉमन डेसिमल पॉइंट लेके चलेंगे। डू नॉट यूज एब्रीविएशन इन द डेटा, डेटा आप जब प्रेजेंट करते हैं
या टेबल बनाते हैं तो उसमें आप शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां कहीं भी जरूरत होगी उसमें आप उसका क्लेरिफिकेशन जरूर देंगे। ठीक, तो एब्रीविएशन यूज नहीं करना है और डेसिमल पॉइंट कॉमन होना चाहिए, टोटल एंड सब टोटल जहां जरूरत हो वहां आपको यूज करना चाहिए। अगर हाईलाइट करना है तो आपको सर्किल बना देना है या बॉक्स बना देना है। ठीक है, इन चीजों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ये तो हुई हमारी जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन फॉर्म ऑफ द टेबुलेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम जो है डेटा को अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि टेबल को हम लोग अरेंज करते हैं, तो हमारा कैप्शन स्टब्स वगैरह जैसे जैसे रहा उसको हम लोग देखते हैं कि आप कैसे, हम एक एग्जाम्पल हम आपको बना करके दिखाते हैं कि कैसे हमने अपने डेटा को अरेंज किया। अगर मान लीजिए कि हम आपको जो है एग्जाम में देते हैं, एक हम आपको डेटा दे देंगे और उसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने डेटा बनाया, यहां पर हो गया हमारा पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, यहां हमारा जो टाइटल आ जाएगा मार्क्स इन बॉटनी। ठीक, अब हमने स्प्लिट कर दिया अपने डेटा को किसमें, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, ये किस क्लास के हैं, ये हैं स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर, ये हैं बीएससी सेकंड ईयर, आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक, ये आ गया हमारे से। सबसे ऊपर हमारा क्या होगा, टाइटल होगा मार्क्स ऑब्टेंड इन बॉटनी डिपार्टमेंट इन एनुअल एग्जाम। यहां पर देखिए इनको हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये सॉरी, हाँ ठीक है, इनको हमें ऊपर लाना पड़ेगा, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, पेपर वन में कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो पेपर वन में जो हमारे मार्क्स आएंगे, मान लीजिए हमें सारे स्टूडेंट्स का अगर हमें टोटल निकालना होगा तो यहां पर डेटा आ जाएगा बॉयज का, एवरेज मार्क्स लिख लेते हैं, यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं एवरेज मार्क्स। अब हम कंपेरिजन यहां पर ये करना चाह रहे हैं कि बॉयज के एवरेज मार्क्स ज्यादा आए या गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हमारे पास ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पेपर वन में जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर वन में आउट ऑफ 80 इनके मार्क्स आते हैं हमारे 56 एवरेज, 56 यहां पर लिख लेते हैं इसको और ऊपर कर लें। बॉयज के 56, गर्ल्स के आ गए 63, फिर इधर आया हमारा इसमें आ गया 48, यहाँ पर आ गया 59। पेपर वन में ये रहा, फिर पेपर टू में मान लीजिए कि 61 इनका रहा, 63 इधर आया, 49
और ये आ गया हमारा 60। तो ये क्या हो रहा है, एंट्री हो रही है, मेन पार्ट हो गया। पेपर थर्ड में आया हमारा 59 बॉयज का, गर्ल्स का 60। फिर इसमें इसमें आ गया बॉयज का 47 और इधर आ गया 62। ये हमारा अरेंज हो गया टेबल। अब इसको देखिए, ये जो हमारे पास डेटा फॉर्म में बन के आया, ये जो हमारे सामने फॉर्म में जिस फॉर्मेट में ये हमारे पास आया, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ठीक, अब आपको ठीक से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा टोटल। ठीक, तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये जो हमारा है, दिस इज द टाइटल, ये क्या हो गया हमारा टाइटल। ये जो हमने लिखा मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स इन बॉटनी, इन बॉटनी हटा देते हैं मार्क्स, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टब कहलाएगा या कैप्शन कहलाएगा, दिस मार्क, बताइए स्टब कहलाएगा या कैप्शन कहलाएगा। यहीं पर जरूरत पड़ती है फिर से जाने की, स्टब और कैप्शन क्या कहलाएगा। मार्क्स जो है ये हमारे स्टब्स हो गए। अब बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर ये क्या कहलाएंगे, कैप्शन। फिर बॉयज एंड गर्ल्स ये क्या कहलाएगा, सब कैप्शन। ठीक है, फिर इसके नीचे अगर हम डाल देते हैं टोटल, तो ये पूरा हमारा टोटल अगर हमें दिखाने की जरूरत है तो हम टोटल इंक्लूड करेंगे। ठीक, सबका टोटल यहां पे कर देंगे, नीचे हमारा हो जाएगा फुटनोट। फुटनोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फुटनोट में आप लिख सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेंड आउट ऑफ 80 मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 80 जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले उसको ये हम करेंगे। फिर आ जाएगा सबसे ऊपर टेबल नंबर, टेबल नंबर वन। तो ये क्या हो गया, टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, मार्क्स ऑब्टेंड, ये हमारा हो गया इधर स्टब्स, ये हमारे बीएससी, बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये स्टब्स, और ये उनको हम लोग क्या कहेंगे, कैप्शन। फिर बॉयज एंड गर्ल्स, सब कैप्स, सब कैप्शन। ये जो हमने जो डेटा एंट्री की, दिस वन, ये क्या हो गया हमारा बॉडी पार्ट है ना, जो हमने डेटा एंट्री की, इट इज द बॉडी पार्ट। फिर जहां जरूरत होगी वहां हम टोटल देंगे। टोटल में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, यहां पर कितने बॉयज आ गए उसको हम लिख सकते हैं, यहां पर जो है कितना आएगा गर्ल्स हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे हमने फुटनोट डाल दिया, द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 80, कितने मार्क्स हम लोग स्टूडेंट्स को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा डेटा है, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहां पर हम लिख लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर। अब बीएससी सेकेंड ईयर में क्या होगा, यहां पर बॉयज भी होंगे और यहां पर गर्ल्स भी होंगे। अब सबका हमें डेटा नोट करना है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुल 10 बॉयज है, ठीक,
तो 10 बॉयज का मार्क्स हम बिटवीन मान लेते हैं 0 to 10, ठीक, ये हमारा मान लिया 0 to 10, ठीक। अब है 10, इसमें मान लेते हैं, ये मान लीजिए इतना स्कोर आ गया 0 to 10, सॉरी 0 to 10 नहीं बल्कि 0 to हमें 80 रखना पड़ेगा ना, तो इट शुड बी नॉट 10 बट इट शुड बी बिटवीन 80, ठीक। ये आ गया हमारे पास मार्क्स स्टूडेंट का। गर्ल्स का भी हमें रखना पड़ेगा, मान लीजिए गर्ल्स की संख्या है 20, तो अब हम लिख देंगे यहां पर इज इक्वल टू रैंडम मार्क्स हम सेलेक्ट करेंगे, 0 ना रखें बल्कि 1 रख लेते हैं, कोई फेल 0 फेल नहीं होगा, 1 to 80, ये डेटा लिया हमने और 10 से स्टार्ट किया है, 20 स्टूडेंट्स हैं तो हम 30 ले लेते हैं यहाँ, ये आ गए हमारे, तो ये मार्क्स आ गए। अब इसका मान लीजिए एवरेज कितना आया, ठीक, तो इसका फॉर से एग्जांपल एवरेज आया 63। तो इस तरीके से आपने किसके लिए डेटा सेट किया, इट शुड बी फॉर बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है ना। इसी तरह आप किसके लिए करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर के लिए करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर बॉयज एंड गर्ल्स आ गए। फिर आपने मान लिया कि वहां भी जो है 12 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम 12 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, इसमें मार्क्स है हमारे 0 to 80, जीरो की जगह हम कर लेते हैं 1, मान लीजिए कुल यहाँ पर 12 बॉयज है, ये आ गया, गर्ल्स और ज्यादा है, वन टू 80 मार्क्स, मान लीजिए 13 गर्ल्स है, तो इतना सारा आपके पास डेटा आ गया, ठीक, डेटा आ गया कितना सारा, ठीक, एक डेटा सेट ये आपके पास हो गया। दूसरा डेटा सेट को मान लीजिए हम हाईलाइट कर लेते हैं येलो से, दूसरा डेटा सेट आ गया आपका ये, और नीचे तक तो हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक, तब देखिए कितना सारा डेटा है आपके पास। अब इस पूरे डेटा को आपने कैसे अरेंज कर लिया, तो इंटर कर, इतने सारे डेटा को आपने जो टेबल के फॉर्म में सीधे अरेंज कर लिया, ठीक। अब आप बड़ी आसानी से यहाँ पर देख बता सकते हैं टेबल देख के कि एवरेज मार्क्स आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स के कैलकुलेट किए हैं, फुट नोट भी बता दिया कि मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है इतने हैं, और यहाँ पर आप लिख देंगे सोर्स का है, मान लीजिए ये डेटा आपने जो यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, तो सोर्स क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट SDS यूनिवर्सिटी, बात सही,
इस तरीके से आपने जो इतना जो जंबल्ड फॉर्म में आपका जो डेटा है ना, देख रहे हैं एक एक सेल को आपने लिखा हुआ, आपने सिंपल एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया। दिस टेबल नंबर वन शुड बी हियर। ये आपका जो है प्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपने इतना सारा जो डेटा आपने इकट्ठा किया हुआ, उस डेटा को आपने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं टेबुलेशन। समझ में आ गई बात? किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट टेबुलेशन के फॉर्म में? नो सर। नो सर। टेबल बनाने समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसे कहते हैं कैप्शन, किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है टेबल बनाते समय, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये मैंने आप लोगों को बता दी। मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में कुछ डेटा दूंगा, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग टेबल फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है? आप लोग उसको पेपर पे ही टेबल अरेंज करके जो है मुझे भेज सकते हैं, या चाहे तो अगर जिनको एक्सेल शीट पे अरेंज करना है वो एक्सेल शीट पे टेबल अरेंज करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? ये कर लेंगे आप लोग? यस सर। ठीक है। यस सर। आप अपना अपना जो है असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लीजिएगा, ठीक? तो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। आज टेबल, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो बार डायग्राम होगा, है ना? बार डायग्राम हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक? आज सर, ये कंप्यूटर के अंदर है सर, बायोस्टैटिक। क्या कंप्यूटर के अंदर का है? नहीं, कंप्यूटर के अंदर का नहीं, ये कॉपी के अंदर का है। कंप्यूटर पे तो मैंने इसलिए बताया कि भाई मैं अब कैसे बताऊं, मेरे पास ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, ठीक है ना? तो मैं एक्सेल शीट में आपको डेटा मैंने अरेंज कर दिया, मैं ये बताना चाह रहा था कि टेबल के पार्ट क्या क्या है, है ना? स्टब्स क्या है, कैप्शंस क्या है, हेड नोट कहाँ लिखना है, फुट नोट कहाँ पर लिखना है, टेबल का टाइटल कैसे होगा, डेटा हम कैसे अरेंज कर देंगे, इसके लिए मैंने ये डेटा एक आपको रैंडम आपको बता के देखिए, इतना सारा डेटा है, इस डेटा का हमने एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद हमने जो यहाँ पर फॉर्म में अरेंज करके लगा दिया। तो ये दिखाने का मकसद था, ठीक है? एक्सेल हमने इसलिए यूज किया कि वहां पे डेटा अरेंज करना हमें आसान रहता है, ठीक? अब इसी को हम बार या डायग्राम में जब हम बनाएंगे तो कॉपी पेन तो बनाना मुश्किल है, यहाँ तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना? इसको हम अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते तो भी ठीक था, तो कंप्यूटर पर पढ़ाने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने एक्सेल पर आपको डेटा अरेंज किया। डेटा अरेंज करके जो है किस तरह से टेबल बनाते हैं वो हमने टेबल बनाया। इसी तरीके से हम आपको बता देंगे कि कैसे चार्ट बनाएंगे या बार डायग्राम, पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, हिस्टोरीग्राम कैसे बनाएंगे, है ना, स्प्लिटेड बार डायग्राम कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बताएंगे, ठीक? आज के लिए। Yes, sir.